हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू साइदर। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको समरसेबल मोटर पंप फिटिंग करने का तरीका आपको बताया जाएगा। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं, ये सीआरआई कंपनी का एक समरसेबल मोटर पंप है दोस्तों, और ये एक एचपी का मोटर पंप है। इसको पहले हम लोग बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग फिटिंग करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसका बॉक्स में जो उसका पैकिंग होता है वो बहुत ही मजबूती से किया हुआ रहता है। इसको पहले पैकिंग हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद में इस बॉक्स में मतलब समरसेबल के दो पार्ट रखे जाते हैं। एक पार्ट होता है मोटर होता है, और दूसरा पार्ट होता है उसका पंप। वो दोनों पार्ट को बाहर निकाल के उसको फिटिंग किया जाता है, कसा जाता है। उसके बाद में मतलब इसको लास्ट में बोरवेल में डाला जाता है। इसमें बहुत से प्रक्रिया किया जाता है, जैसे कि इसमें रस्सी लगाए जाते हैं, पाइप लगाए जाते हैं, और वायर का कनेक्शन भी इसमें किया जाता है। दोस्तों, वीडियो के अंदर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, समरसेबल के दोनों पार्ट हम लोग बाहर निकाल दिए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इस पार्ट को मोटर बोला जाता है। अभी ये मोटर के रोलिंग में और इसके बोल्ट में मतलब प्लास्टिक कवर चढ़ाया गया है, तो इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग पंप और मोटर को दोनों को आपस में कस देंगे। उसके बाद में हमारा जो लास्ट काम होगा बोरवेल के अंदर, इसको हम लोग डालेंगे। अभी इसमें ये इसमें आपको नज़र आ रहा है, चार बोल्ट नज़र आ रहा है। इस चारों बोल्ट के ऊपर में कवर अभी प्लास्टिक कवर चढ़ाए हुए, तो इसको हम लोग पहले निकाल लेते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो मोटर है ये ऑयल कूलेट मोटर है, ये वाटर कूलेट मोटर नहीं है। वाटर कूलेट जो मोटर होता है उसमें वाटर मतलब पानी को डालना पड़ता है, और ऑयल कूलेट मोटर होता है उसमें पहले से कंपनी तेल डाल के देता है। तो मतलब ये ऑयल कूलेट है, इसमें वाटर नहीं जाएगा, और पानी जो वाला जो वाटर कूलेट मोटर होता है उसमें पानी डालना पड़ता है। तो इसको अभी हम लोग यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इसका जो जाली दिया हुआ है मोटर का, ये पंप है, इसको जाली को हम लोग पहले निकाल लेते हैं उसका कवर को, और उसके बाद भी ये दोनों पार्ट को हम लोग आपस में कसेंगे। दोस्तों, समरसेबल पंप का दोनों पार्ट अभी हम लोग लगा दिए हैं, कट फिटिंग कर दिए। उसके बाद अभी हम लोग मोटर को जहाँ पे बोरिंग है, जहाँ पे हम लोग डालना है बोरवेल में, वहीं पे इसको हम लोग लाए हैं। और अभी हम लोग का दूसरा जो काम है, अभी इसका जो वायर होता है, उस वायर को भी हम लोग का कनेक्शन करना है। इसका वायर बहुत ही लंबा होता है, इस समरसेबल पंप को आप तो जानते हैं, ये पंप पानी के अंदर में रहता है, तो इसका जो वायर होता है, इसका जो बिजली प्रदान करता है इस मोटर को, उसका जो वायर को बहुत अच्छी तरीके से मतलब इसका कनेक्शन करना चाहिए, मतलब इसमें पानी भी नहीं घुसना चाहिए। अगर पानी घुस जाएगा तो समरसेबल पंप
ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए इसका जो वायर होता है, इस वायर को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब इसको अभी सेट करेंगे। इसका जो वायर होता है इसमें तीन वायर होता है, इसमें अभी रेड ब्लू येलो दिख रहा है। इस तीनों वायर को मतलब अभी यहाँ पे हम लोग इसको मतलब सेट करेंगे। यहाँ पे जो उसका वायर में मतलब आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। इस वायर में मतलब आपको ब्लैक ब्लैक टेप लगाना है, उसके बाद एमसील लगाना है, और उसके बाद इसका जो कंपनी की तरफ से एक आता है वाटर प्रूफिंग एक टेप आता है, उसको भी आपको लगा देना है। इससे ये होगा कि इसमें अगर अगर आपका कभी भी एक गलती से अगर यहाँ पे पानी घुस जाता है तो सबमर्सिबल पंप ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसका जो वायर बिजली प्रदान करने के लिए एक पानी के अंदर में रहने वाला एक मोटर है, इसीलिए इसका जो वायर होता है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सावधानी से मतलब सेट करना चाहिए, बाद में दिक्कत ना हो। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बड़े भैया लोग यहाँ पे इसका जो रस्सी है इसका रस्सी को मतलब खोल रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पे बोरिंग है, ये बोरिंग है, इसी बोरिंग में हम लोग इस मोटर को डालेंगे। दोस्तों अब हम रस्सी को समर्सिबल पंप में इसको बांध रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो इसका रस्सी होता है थोड़ा मोटा होता है, और समर्सिबल पंप का जो रस्सी जोड़ने का जगह दिया होता है वो बहुत ही छोटे होता है, तो आपको क्या करना है जो रस्सी का मुंह होता है वहाँ आपको आपको ब्लैक टेप से बांध देना है, और उस मुँह को मतलब थोड़ा पतला करके आपको बांधना होगा। इससे आपको जो मोटर पंप है उसमें आपको रस्सी को घुसाने में आसानी होगा। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका वायर है उसमें हम लोग यहाँ पे एमसील लगा दिए हैं, उसके बाद हम लोग इसमें ब्लैक एंड टेप चढ़ाएंगे और रस्सी को इसमें पूरी अच्छी तरीके से बांध के आप जब भी लगाइए समर्सिबल पंप तो आप पूरे अच्छी तरीके से रस्सी और वायर को ध्यान दे के आपको ये यहाँ पर बांधना होता है, उसके बाद में आप समर्सिबल पंप को बोरवेल में डालें। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसको पतला करके हम लोग जो इसका रस्सी है उसको हम लोग यहाँ पे मोटर पंप के अंदर में घुसा दिए, उसके बाद में मतलब इसको हम लोग अच्छी तरीके से बांध लेंगे, और उसके बाद में इस पंप में एक पाइप लगाएंगे, उसके बाद में इसको नीचे बोरवेल के अंदर में डालेंगे। दोस्तों इस पार्ट को एडेप्टर बोला जाता है। एडेप्टर में हम लोग टेप्लोन टेप लगाने के बाद जो समर्सिबल पंप का आउटलेट है जहाँ पे पानी आउट होगा वहाँ पे भी इसको हम लोग कस देते हैं, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग पाइप लगाएंगे। दोस्तों हमारा फिटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम लोग अभी हमारा जो लास्ट काम है यहाँ पे हम लोग बोरवेल के अंदर में समर्सिबल पंप को उतारने जा रहे हैं, मतलब कि नीचे डालने जा रहे हैं। उसके बाद में हमारा जो लास्ट काम होगा इसका वायर कनेक्शन करना होगा और इसमें पानी निकालना होगा, मतलब पानी को ऑन करके दिखाना होगा आपको। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको मतलब यहाँ पर आपको लास्ट में पानी को चालू करके भी दिखाया जाएगा कि पानी इसका फ्लो कैसे आ रहा है और कैसे इसको हम लोग लगा रहे हैं। यहाँ पे इसको हम लोग उतार दिए, और यहाँ पे हम लोग इसको मतलब इसका जो औजार आता है इसका वाइस बोलते हैं, इस वाइस को हम लोग यहाँ पे पहले फंसा लेते हैं, उसके बाद में इसको यहाँ पे हम लोग जो बोरवेल है ये बोरवेल मतलब 250 फीट है, इस 250 फीट में हम लोग 200 फीट मतलब इस पर हम लोग पाइप लगाएंगे। यहाँ पर पाइप बगल में रखा हुआ है, मतलब कि 20 पाइप है, 10 फीट के यहाँ पर 20 पाइप है, उस पाइप को हम लोग लगाएंगे और चालू करेंगे और पानी देखेंगे कि पानी कैसा यहाँ पे आ रहा है। ये बोरवेल में पहले आपको बता देता हूँ, ये बोरवेल 250 फीट गहरा है और यहाँ पे हम लोग 200 फीट पाइप उतार रहे हैं नीचे।
और इस पंप को लगाने समय आपको बहुत ही सावधानी पूर्व आपको इस काम को करना होता है। यहाँ पे हड़बड़ से अगर काम कीजिएगा तो जो मोटर पंप है वो बोरवेल के अंदर भी जा सकता है। आपको अच्छी तरीके से रस्सी को पकड़ना होता है और जो औजार होता है वाइस को आपको अच्छी तरीके से कसना होता है ताकि जो पाइप और रस्सी है वो बोरवेल के अंदर में ना गिर जाए। तो यहाँ पर हमारा दूसरा तीसरा पाइप मतलब सभी पाइप यहाँ पर लगाए जाएंगे। दोस्तों बोरवेल के अंदर में सबमर्सिबल पंप नीचे 200 फीट में जा चुका है। उसके बाद में हमारा दूसरा जो काम है इस मोटर पंप का वायर कनेक्शन करना। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इस पंप का ये स्टार्टर है। स्टार्टर में हमारा जो वायर है मतलब सबमर्सिबल पंप के तीन वायर आते हैं, एक रेड, ब्लू और येलो। ये तीनों वायर को स्टार्टर में कनेक्शन करना है और दो स्टार्टर के वायर होते जो न्यूट्रल और फेज होते हैं उसको डायरेक्ट बिजली के कनेक्शन में करना है। तो इसको हम लोग पहले कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि इसमें पानी आ रहा है कि नहीं। दोस्तों स्टार्टर में लाइन आ चुका है, अभी 202 वोल्टेज है और इसको चालू करने के बाद देखता हूँ कितना वोल्टेज है। 187 वोल्टेज है। ये डिजिटल स्टार्टर है, इसमें मतलब डिजिटल वोल्टेज दिखाता है। अभी इसको चालू किए और देखते हैं जाके कि बोरवेल से सबमर्सिबल पंप से पानी आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे पानी आ गया। गया पूरा। और यहाँ भी पानी पी के देखते हैं कि पानी भी इसका कैसा लगा है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।